जैसे गर्ल्स का वर्जिनिटी लूज हो गई है ये पता चल जाता है सेक्स पार्टनर को, ठीक है, बट लड़कों का भी क्या पता चल सकता है कि वो वर्जिन है या फिर नहीं है? फॉर दैट आई गेस दे शुड नो कि वर्जिनिटी क्या है, कि क्या है वो वर्जिनिटी। आई विल गेट इनटू दैट लेटर, मैं पहले बेसिक फिजिक्स इसकी समझा देती हूँ। वो ये है कि 2/3 वुमेन डोंट ब्लीड व्हेन दे हैव सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू गोइंग टू ब्लीड। और हम अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हिस्टोरिकली हमें पता ही नहीं था कि औरतों को प्लेजर कैसे करना है, तो अक्सर ये होता था कि जो हाइमेन फटता था उसको फटना नहीं चाहिए। हाइमेन एक ढक्कन नहीं होता है, हाइमेन एक छन्नी होता है, क्योंकि अगर वो ढक्कन होता तो पीरियड ब्लड कैसे बाहर निकलता, पीरियड ब्लड भरता रहता है। एंड एक्चुअली मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हाइमन ढक्कन जैसा होता है और हमें एक्चुअली जाके इंसिजन करना पड़ता है उनके हाइमन में ताकि ब्लड बाहर निकल आए, क्योंकि 13-13 साल की बच्चे आती हैं बहुत अब्डोमिनल पेन और जब उनका एग्जामिनेशन करो तो देखो हाइमन एकदम बंद है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे दिमाग में भ्रम है कि हाइमन एक सील होती है, वो बिल्कुल सील नहीं होती है, उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं ऑलरेडी। और ये छेद जो हैं जब हम सेक्सुअली अराउज्ड होते हैं तो वजाइना नॉर्मली बंद रहता है, वजाइना की वॉल्स ऐसे, कभी भी किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक में देखना तो वजाइना की वॉल्स को एच शेप में दिखती हैं क्योंकि वो बंद रहती हैं आपस में। जब आप सेक्सुअली अराउज्ड होते हो तो वही वॉल्स ओपन हो जाती हैं इस तरह से, जैसे पीनस में इरेक्शन बाहर की तरफ होता है वैसे वजाइना में अंदर की तरफ इरेक्शन होता है, ऐसे समझ लो। वजाइना लंबी होती है, चौड़ी हो जाती है, स्पेस बनाती है वहाँ पर ताकि पीनस आ सके। तो जब ये एक्सपैंड कर रहा है और हाइमन को आप ऐसे समझ लो कि एक रबर बैंड बना हुआ है इसके चारों ओर, छेद है उसमें ऑलरेडी, तो अभी तो ये रबर बैंड बंद है, इसमें अभी आप कुछ डालो तो रबर बैंड फटेगा, अभी इसको आप रबर बैंड भी एक्सपैंड कर जाएगा वजाइना के साथ साथ। तो इफ़ द पर्सन इज एडिक्वेटली अराउज्ड, अगर वो अच्छे से टर्नड ऑन है तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी वर्जिनिटी से सवाल है क्योंकि हाइमनोप्लास्टी बहुत पॉपुलर है, लोग कराते हैं, तो हाइमन सर्जरी जो होती है बेसिकली तो चलो ठीक है कुछ लोग करा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती होंगी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं हमारे इंडिया में जो लाइक शादी से पहले अपनी बेटी को ले गए, होते हैं ऐसे, और इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उनके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कुछ कम्युनिटी से आते हैं, कुछ स्पेशल ऐसे लोग आते हैं जो शादी से ठीक पहले आते हैं। तो मतलब आप इसको किस नज़र से देखती है, मतलब क्या आप सपोर्ट करती है फिर ऐसी सर्जरी को? मतलब अगर कोई मेरे पास इस सर्जरी के लिए आएगा तो मैं बैठा के उनको समझाऊंगी। मेरा ओपिनियन इस पर बहुत हाल में बदला है, पिछले दो, मैंने 4 साल पहले अपना अकाउंट शुरू किया था, पिछले 2 साल में मेरा ओपिनियन बदला है क्योंकि मैं कुछ ऐसे पेशेंट से मिली जिनके लिए हाइमन होना ना होना ज़िंदगी और मौत का सवाल था। एग्जैक्टली तो इससे पहले मुझे लगता था कि ये गलत बात है, किसी को नहीं करना चाहिए, जो हॉस्पिटल्स ही ऑफ़र करते हैं उनको बैन कर देना चाहिए। मैं कभी ऑफ़र नहीं करूँगी, ना मैं किसी अस्पताल में ऐसे काम करूँगी जो ये ऑफ़र करे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को भूल जाऊं कि जेन्युइनली आज भी लोगों की ऑनर किलिंग होती है, होती है, लोगों का फिजिकल असॉल्ट, हरासमेंट, डेथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ डिवोर्स, बहुत जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके हाइमन होने ना होने पर डिपेंड करता है। तो लोगों के बिहाफ पे मैं डिसीजन नहीं ले सकती, मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उनको समझाती हूँ, अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर उन्हें नहीं समझना है तो 50 पीने के जो ये ऑफ़र करेंगी तो मैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो इसके रीजंस क्या, मतलब सिर्फ यही रीजंस होते हैं या फिर मेडिकल रीजंस भी कुछ होता है हाइमनोप्लास्टी या फिर हाइमन सर्जरी का, मतलब कोई ऐसा रीज़न हो कि जिसमें कराना बनता है कि ये मेडिकल कंडीशन है और करा लेना चाहिए, या फिर इसके रीजंस यही है कि मिसकंसेप्शन जो हमारे दिमाग में है उसी की वजह से कराते हैं? तो हाइमन बहुत थिक हो सकता है जिसमें, या हाइमन में बिल्कुल छेद नहीं हो सकता है जिसमें वो ब्लड नहीं निकल पा रहा है, या हाइमन है और उसके बीच में एक बैंड बना हुआ है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को ऐसे आप मना नहीं कर सकते, बट सोसाइटल रीज़न के लिए कोई मेडिकल प्रोसीजर कराना इन्वेसिव मुझे डजंट सिट वेल विद मी।